अकल वाइटी हेलो, मर्जीत आया है क्या? मर्जीत आया है, मर्जीत आया है, बताना। अरे यार भाई, हाँ तो मेरे भाई लोग, और कैसे हो? होपफुली सब बढ़िया होगे। तो दोस्तों, आ चुके हैं एक और न्यू सोलो गोन कर रैंक पुशिंग वाली वीडियो में। तो भाई, 2 दिन से जो है मैंने गेम प्ले नहीं डाला, क्योंकि भाई मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था जॉब के सिलसिले में। तो उसी वजह से जो है भाई मैं गेम प्लेज वगैरह अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों, अभी तो मैं फिलहाल के लिए फ्री हो चुका हूँ बिल्कुल ही। तो फिर आज से जो है आप लोगों को भाई खतरनाक नेक्स्ट लेवल गेम प्लेस देखने वाले हैं। जैसे कि मतलब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि भाई आप लोगों को सर्कल में, मतलब भाई एंड के सर्कल में सर्वाइव किस तरीके से करना चाहिए, और भाई किल्स वगैरह किस तरीके से निकालने चाहिए आप लोगों को लॉबी में, और आपको अच्छा खासा प्लस किस तरीके से निकालना चाहिए। अब दोस्तों, होता ऐसा है कि मैं उतर जाता हूँ इवेंट पे, और इवेंट पे उतरते के साथ यहाँ पे एक बंदा मेरे साथ उतरता है, लेकिन दूसरा बंदा सामने की तरफ था। तो उस बंदे को तो अपन यहाँ पे इजीली फिनिश कर देते हैं, और भाई पीछे की साइड में और भी बंदे रहते हैं, और मेरे घर की साइड में कूद के एक और बंदा आ जाता पीछे की साइड से। ये जो बंदा रहता है, ये बंदा मतलब भाई थोड़ा चोक कर देता है, जैसे कि मैं मतलब इस बंदे के एंगल में आ चुका था, लेकिन ये स्प्रे लेने में काफी ज्यादा लेट हो चुका था। तो इसी वजह से जो है अपन यहाँ पे भाई को इजीली फिनिश कर देते हैं। अब नीचे की साइड से मेरी साइड में जो भी बंदे थे, उन बंदे को तो मैं वहां पे फिनिश कर चुका था, लेकिन यहाँ पे अब ये बंदा देखते देखते क्या पता कब पुश कर देता। और आप लोगों ने देखा, जैसे कि मतलब मेरे हाथ में गन बिल्कुल भी नहीं थी, और यहाँ पे मतलब भाई अचानक से मैं अपनी गन पकड़ता हूँ और तुरंत ही यहाँ पे भाई के ऊपर स्प्रे लेके भाई को फिनिश कर देते। अब दोस्तों, यहाँ पे नीचे की साइड तो मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे बंदे, अब मेरे ऊपर की साइड में एक बंदा रहता, और यहाँ पे नेट का ग्लिच देखो बस। अब मतलब भाई मैंने इतना ट्राई कर लिया नेट छोड़ने का, लेकिन नेट जो था भाई छूटने का नाम ही नहीं लेता बिल्कुल भी। और यहाँ पे भाई अपना ही नेट से अपन खुद की पेटी बनवा लेते हैं यहाँ पे। अब क्या ही बोलूँ दोस्तों, इसी चीज के चक्कर में जो है मेरे को अपना वाईफाई ऑफ करके भाई नेट से ऑनलाइन आना पड़ता है। तो भाई अब इसके बाद में जो है अपन यहाँ से निकालने वाले हैं नेक्स्ट सर्कल का गेम प्ले। अब जैसे कि मेरे को ये शेक खाली दिख जाता है, तो मैं इसी शेक पे जो है काफी समय, ज्यादा समय के लिए मतलब होल्ड करने के लिए रुक जाता हूँ। अब ये बंदा दोस्तों लिटरली 1 HP का बचा होगा यहाँ पे, और जैसे मैं इस बंदे को फिनिश करता हूँ, तुरंत ही यहाँ पे एक बंदा मतलब हिरन को लेके उड़ रहा होता है। अब इस बंदे को दोस्तों मैंने काफी ज्यादा डैमेज देने का ट्राई किया था, लेकिन वो बंदा यहाँ से बच के निकल जाता है। और ये भाई साहब यहाँ पे मौके का फायदा उठा के अपने ऊपर यहाँ पे पुश कर देते, लेकिन भाई को अपन इजीली फिनिश कर देते। दोस्तों इजीली तो नहीं बोलूंगा, भाई ने काफी ज्यादा जो है मेरे को डैमेज दे दिया था, लेकिन जैसे जैसे करके जो है अपन यहाँ पे भाई को फिनिश कर देते। अब भाई को फिनिश करने के बाद ही तुरंत सबसे पहले तो हीलिंग वगैरह लगा के भाई की पेटी वगैरह लूट के मैं निकल पड़ता हूँ यहाँ से सर्कल की तरफ, क्योंकि नेक्स्ट सर्कल भी यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। अब दोस्तों, जब मैं यहाँ से सर्कल में रोटेशन दे रहा होता हूँ, तो यहाँ पे पीछे की साइड से मेरे ऊपर स्प्रे आता है, और ये बंदा मेरी बग्गी के टायर फोड़ देता है, लेकिन जैसे तैसे करके अपन यहाँ पे सर्कल में तो इंटर ले ही लेते हैं। और मैं भी यहाँ पे तुरंत मतलब सामने की साइड से और पीछे की साइड से मतलब भाई पूरा का पूरा स्मोक पाथ बना देता हूँ, ताकि जो है स्मोक पाथ बोल रहा हूँ भाई मतलब ये जो कवर बना देती है मतलब बंदूक, तो ये बना देता हूँ मैं, ताकि जो है बंदा पीछे की साइड से और सामने की साइड से अगर कोई बंदा बग्गी लेके पुश करे तो अपने को फिनिश नहीं कर पाए।
दोस्तों मेरे पास में इतनी अच्छी लूट वगैरह नहीं थी, मेरे पास खाली एक ही ग्रेनेड था, वहां पे मैं नेड फोड़ देता हूँ लेकिन कुछ होता नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत ही बड़े लेवल की चोक कर देता हूँ, जैसे कि भाई इसकी सजा मेरे को मिल भी जाती है। अगर मैं शायद से उस बंदे को पेल देता तो अपना चिकन भी हो सकता था इस गेम में, लेकिन अपने साथ होना नहीं था। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड गेम प्ले की तरफ। तो इवेंट पे किल होने के बाद मैं यहाँ पे लूट वूट करने के बाद ये कंपाउंड में होल्ड कर रहा होता हूँ, तो नीचे की साइड में एक बग्गे वाला बंदा आ जाता है अपने ऊपर पुश करने के लिए। अब इस बंदे से जो जिस तरीके से मतलब अपन फाइट लेते हैं ना दोस्तों, आप लोगों को मजा आ जाएगा एकदम। अब ये बंदा बोलेगा मतलब भाई इस बंदे के साथ में क्या ही वक्त जज्बात जिंदगी तीनों ही पलट गई, वो वाला सीन हो गया भाई के साथ। अब जैसे कि भाई यहाँ पे अपने ऊपर मौली डालने आया था, मैं यहाँ पे भाई के ऊपर तुरंत पुश कर देता हूँ और भाई गलती से खुद के इधर ही मौली कर देता है, और नीचे के साइड में जैसे पुश करता है तो भाई को अपन इजिली S12 के चिपका देते। अब यहाँ से दोस्तों मैं आप लोगों को खाली नेक्स्ट सर्कल मतलब लास्ट सर्कल की रोटेशन दिखाऊंगा, जिस तरीके से जो है आप लोग भाई लास्ट सर्कल में रोटेशन वगैरह दे सकते हैं और कोई भी कंपाउंड वगैरह कोई भी शेक वगैरह इजीली होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि मतलब भाई मैं मतलब डिसाइड कर चुका था कि भाई अपने को डायरेक्टली कोई सा भी कंपाउंड कोई सा भी शेक जहां मिले कवर वहां पे घुसाड़ देनी गाड़ी, अगर कोई बंदा भी होगा तो भाई इजीली फाइट लेंगे। लेकिन लकीली जो है अपने को ये कंपाउंड मतलब खाली मिल जाता है और ऊपर की साइड में दो बंदे आपस में फाइट कर रहे होते हैं, तो इसी का फायदा उठा के मैं यहाँ पे क्लोज इन कर देता हूँ बंदे इनके ऊपर। दोस्तों जिस तरीके से अपने इस गेम में S12 के चल रहे थे ना एकदम गजब तरीके से, नीचे की साइड में एक बंदे को पहले फोड़ा था अपन ने S12 के से और अब इस बंदे को फोड़ दिया। अब इस बंदे को फोड़ने के बाद मैं तुरंत ही अपने को यहाँ पे बंदे की BRDM मिल चुकी थी दोस्तों। अब BRDM मिल चुकी थी तो अपने को समझ में आ चुका था भाई अपन अच्छा खासा सर्कल में मतलब यहाँ से मतलब इजिली चिकन वगैरह के लिए खेल सकते हैं। अब उतने में ही ये बंदा ओपनली साइड में भाई मतलब डासिया लेके घूम रहा होता है और इस बंदे को अपन गजब का स्प्रे देके यहाँ पे फिनिश भी कर देते भाई को। अब भाई को तुरंत ही फिनिश करने के बाद मैं पीछे की साइड में और भी बंदे आपस में फाइट कर रहे होते। अब यहाँ पे एक ही साथ में दो दो किल देखो किस तरीके से निकालेंगे अपन। अब पीछे की साइड में मुझे एक बंदा दिखता है तो उस बंदे को तो मैं पीछे की साइड से मतलब ओपनली जैसे आ रहा होता है तो उस बंदे को अपन यहाँ पे स्प्रे देके इजीली फिनिश कर देते और बग्गी वाला बंदे के टायर फोड़ देता बंदा एक, तो उसको भी अपन यहाँ पे इजीली स्प्रे देके फिनिश कर देते। अब BRDM वाला बंदा दूसरा अपने पास आ चुका था और नीचे की साइड में मतलब ये बंदा भी आ चुका था और राइट साइड की तरफ में एक और बंदा आ चुका था, मतलब अब चारों बंदे इधर ही थे। और यहाँ पे देखना अब क्या ही खतरनाक मतलब मेरे साथ में सीन होने वाला है, मेरे साथ क्या मेरे जो बाजू वाला BRDM वाला बंदा है उसके साथ भी गजब का सीन होने वाला है, जैसे कि मतलब आप लोगों को देख के पता चल ही जाएगा। अब दोस्तों राइट साइड से एक बंदा मेरे ऊपर फायर लेता है और लेफ्ट साइड से एक और बंदा फायर लेता है, मतलब BRDM के तो अपने L लग चुके थे। और जैसे ही मैं दूसरे बंदे के ऊपर यहाँ पे पुश करने जाता हूँ पीछे से ये ग्लेशियर वाला बंदा अपना गेम ओवर कर देता है, तो इसी के साथ साथ अपना गेम यहाँ पे ओवर हो चुका था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।